पूर्वी पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की हलचल। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक, हल्का बंदियों का काम 22 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का बंदियों के बाद बलदियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। मई में बलदियाती इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक कर लिया गया। खाद बहरान से किसान परेशान। दुनियापुर के किसान खाद की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। दुकानों पर लंबी लाइनें। खाद की बरवक्त अदम दस्तियाबी से गंदम की औसतन कम पैदावार का खदशा। परेशान हाल काश्तकारों का मुतलका हुकाम से खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। किसानों को परेशान करने वाले पकड़ में आ गए। कहरोड़ पक्का में इसी नई बशीर और महकमा ज़राअत इन एक्शन। अड्डा बहादुरी गोट में खाद की बोरियों से बड़ी ट्रॉली पकड़ी गई। डीलर को 25,000 रुपये जुर्माना। डीलर गैर कानूनी तौर पर खाद लूट करवा रहा था। रहीमियर खान में गंदम की कीमत बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2600 रुपए से मन हो गई। गंदम महंगी होने से आटा भी महंगा हो गया। चक्की आटा 75 रुपए प्रति किलो में फरोख्त। शहरी परेशान। डॉलर की एक मरतबा फिर ब्रेक ए फेल। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175.92 रुपए से बढ़कर 176.18 रुपए का हो गया। एक दिन में रुपए की कदर में 0.15% कमी हुई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की तलब बढ़ने पर रुपए की कदर गिरी है। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे रह गए। मियांवाली में अशिया कोरोना सरकारी निरखों से महंगी फरोख्त होने लगी। चावल सरकारी निरख 145 के बजाय 160 रुपए में फरोख्त। मार्केट में कोई दुकानदार सरकारी निरख पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। जाए तो कहां जाए, खरीदार शिकवा कुना। उधर मुल्तान इंतजामी मुतहरिक, कारकर्दगी मुतासर को न होने पर 3 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी। ओमिक्रोन का खतरा उम्रा जायरीन पर मंडलाने लगा। सऊदी अरब में 5 दिन करंटीना लाजिम करार। बुकिंग सेंटर्स को करंटीना बुकिंग के बगैर टिकट जारी करने से रोक दिया गया। सऊदी एयरलाइंस का उम्रा जायरीन के लिए नया सर्कुलर जारी। कोरोना की सूरत हाल। एनसीओसी का दूसरा इजलास। तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा। नई बंदिशों के हवाले से मुख्य तजावीज जेरे गौर। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज। एसओपीज पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। तालीमी इदारों में तलबा सातजा की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। खबरदार होशियार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से आ गया। 24 घंटों में 31 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान से कोरोना के 18 मरीज सामने आ गए। बहावलपुर शहर रहीम खान 4 अफराद बने मोहलिक वायरस का शिकार। निजी खान, खारिवाल, बिहाड़ी, बहावलनगर, लैया और राजनपुर से एक एक केस मस्बत आ गया। मरीजों की मजमू तादाद 184 हो गई। गैस बहरान आवाम के लिए बन गया बड़ा इम्तहान। शहरी महंगी लकड़ियां और एलपीजी खरीदने पर मजबूर। मुल्तान के बस्ती चौवाला के रिहायशी गैस लोड शेडिंग से परेशान। इलाका मकीन इंतजामी के खिलाफ फट पड़े। कहा गैस आती नहीं, बिल हर माह आ जाता है। मुतासर अफराद का मुतलका हुकाम से बिल्स के साथ गैस की फराहमी का मुतालबा। उधर कोर्ट अदू सुई गैस की बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई। बोर्ड नंबर 9 और 10 में सुई गैस नायाब। अमूरे खानादारी शदीद मुतासर। गंदगी कौन उठाएगा, रेलवे और इंतजामिया दोनों ने आंखें बंद कर ली। बड़ों के इख्तलाफात मुल्तानियों पर भारी पड़ने लगे। मुमताजाबाद गंदगी की आवाज का बन गया। रेलवे ट्रैक के गिर्द गंदगी के अंबार। इलाका मकीन परेशान। सैनिटरी अमरा भी घर बैठे तनख्वाहें लेने लगा। रेलवे हुकाम ने मलबा जिले इंतजामिया पर डाल दिया। डेरा गाजी खान सब्जी मंडी में नेफनामे के लिए डिजिटल स्क्रीन नष्ट करने के अहकाम। कमिश्नर लियाकत अली चुच्छा और डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद का सरवर वाली सब्जी मंडी का दौरा। फल और सब्जियों के स्टॉल्स पर भी रेट का लगाने की हिदायत कर दी। मुल्तान में विफाकी और सूबाई महकमे होंगे दीदा से। शहरियों और साइलिन को सरकारी दिफातों में खुशगवार।
तब्दीलियां देखने को मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने शहर के साथ सरकारी दिफातर का ब्यूटिफिकेशन प्लान तरतीब दे दिया। दिफातर के वेटिंग रूम, पार्किंग एरियाज और एंट्री गेट को खूबसूरत बनाने की हिदायत कर दी। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की पार्टी तंजीमें तहलील, जिला और तहसील लेवल पर तहाल नई तंजीम न बनाई जा सकी। साबिक जिले सदर पीटीआई खालिद जावेद वड़ाइज पार्टी कयादत पर बरस पड़े, बोले बल्दियाती और आम इंतखाबात में कम अरसा बाकी है, तंजीम साजी न होने से पार्टी को शदीद नुकसान होगा। यजमान में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकास, पीए कॉलेज में लगे ब्लड कैंप में तलबा और असातिज़ा ने खून अदा किया। इंचार्ज सरमद मकबूल के मुताबिक बहावलपुर में 3300 थैलेसीमिया मरीज बच्चे रजिस्टर्ड हैं। शायकी ने क्रिकेट दिल थाम ने क्रिकेट मेले की स्थिति बचने को है तैयार, पाकिस्तान सुपर लीग का मैदान लगने में रह गया सिर्फ 9 रोज का इंतजार। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। मुजफ्फरगढ़ के नौजवान खिलाड़ियों ने मुल्तान सुल्तान्स से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। पीएसएल का 7वां एडिशन 27 जनवरी से कराची में शुरू होगा। नवाबों के शहर बहावलपुर की पहचान, 17वीं चोलिस्तान जीप रैली का मैदान लगने को तैयार, मेगा इवेंट की तैयारियां शुरू। उमान और ईरान के ड्राइवर्स भी बनेंगे जीप रैली का हिस्सा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शिरकत मुतवक्किल। डिप्टी कमिश्नर इरफान कातिया ने कहा कि नवाबों के शहर बहावलपुर को भी सजाया जाएगा।